नहीं नहीं सर तो वाल क्यों नहीं कटाए फिर सर जे तुसी 6 साल तो एक वेस्ट कोट च आ सकदे हो तो मैं वाल ही बढ़ेगा यार खूबसूरत लग रहे ने माशाल्लाह एडे प्यारे वाल तेनू की टेंशन है हमाम है तेरा कोई मेरा हमाम होता मैं पीपे चो कट के तेनू ना ला दंदा मोहब्बत का इजहार करने में आपको जितनी आसानी होती होगी किसी को नहीं होती होगी लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मोहब्बत का यकीन दिलाने में आपको शदीद किस्म की दुश्वारी होती होगी क्योंकि जिससे भी मोहब्बत करेंगे या जिससे भी रिश्ता जोड़ने लगेंगे क्या ये बात उसके जहन से कभी निकलेगी कि ये तो एक शायर है इसका कहीं ना कहीं दिल टूटा है या आज भी ये उसे भूल पाया है या नहीं क्या करेंगे इसका आप लोग किसी का दिल तोड़ के जाते हैं उसका सबसे बड़ा जुल्म ये होता है कि जो बाद वाला सच्चा होता है ना उसे अपनी गवाही के लिए अपने खून से कुछ लिखना पड़ता है तो वो बंदा मानता है क्या बात नाजिश अदाकारी भी की मॉडलिंग भी की दोस्तों के साथ चुगलियां भी की सब कुछ किया नफ्सियात भी पढ़ी है आपने कुछ रह गया आज जिंदगी में जो करना चाहती है बहुत कुछ है कोई एक बात तो बताइए मुझे लगता है इमरान कि मुझे अपनी जिंदगी में ना जब तक मैं जिंदा हूँ और सलामत हूँ बस इमरान जो भी करना है प्रोडक्टिव करना है चाहे वो अदाकारी है चाहे वो इस फील्ड से रिलेटेड कुछ भी है आउट ऑफ दिस फील्ड है आई जस्ट वांट टू बी अ प्रोडक्टिव वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी प्रोडक्टिव थॉट एक शेर आपके लिए यार होना को सुनने के ऐसे सुनाने ने उन्होंने तो पूरी दुनिया सुन दी साड़ी तो सुन दे कोई नहीं बिस्मिल्लाह इरशाद अर्ज किया वाह 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 कुछ बोलिया भी नहीं मजमा भी लुट लिया जनाब मैं कुछ भी नहीं वो भी मेरा कुछ नहीं बहुत अच्छा मैं उदी कुछ भी नहीं वो भी मेरा कुछ नहीं असी दो में कुछ नहीं ते तुसी सारे कुछ नहीं ये शेर है कि बद्दुआ है कोई तुसी ते इलाज नहीं सी करवा लिया मुझे किसी ने ये बात कही थी जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सोशल मीडिया का वक्त आ गया है टैब्स आ गए हैं फोन आ गए हैं मेरा मोहसिन कलम थोड़ा थोड़ा बेरोजगार होने लगा है क्या बात क्या क्या इसके बारे क्या बात चीज़ें बदलती हैं इमरान जैसे किताबत होती थी अब उसकी जगह कंप्यूटर का दौर है तो किताबत लिखने वाले करने वाले लोग अब बड़े कम रह गए हैं लेकिन वो जो कागज़ की एक महक है वो जो लोग जानते हैं वो आज भी किताब से उतने जुड़े हुए हैं सफ़े से जुड़े हुए हैं तो मेरा तो दिन ख़त्म नहीं होता जब तक मैं अपने कमरे में बैठ के लिख नहीं लेती और वो लिखना कुछ भी हो या तो अपने दिन के बारे में हो या उस पूरे दिन में मैंने कौन सी खुशी पे हंसी हो और किस दर्द में मेरी आंख से आंसू निकला वो उसमें लिखा होता है हमारे एक दोस्त हैं जुल्फिकार आदिल उनका शेर मुझे याद आया मैं उनका शेर सुनाता हूँ कि खोलिए दिल की डायरी आदिल देखिए आज कौन सा गम है देखते रहिए मुज़ाकरात मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद कलेजा मुंह को आया जा रहा है जो बिजली बम गिराया जा रहा है निकल आए हैं मुश्किल दौर से हम हमें कब से बताया जा रहा है बुजुर्गों ने सुना था रेडियो जो लिया उसका किराया जा रहा है हाय हाय आ खुशामदीद मजाक रात में आपको मुझे आपसे मोहब्बत है आपको हम सब से मोहब्बत है ऐसे ही आते रहिए कभी रुकिएगा मत मजाक रात में खुशामदीद वो कौन है जो नाजिश की आंखों में आंसू ले आता है जो इस वक्त पूरे मुल्क के होंठों पे मुस्कुराहट बिखेर रही है कौन है वो बताइए जरा हमें भी अम्मा जी एक वाहिद वही हैं जिनकी वजह से कभी बैठे बैठे मैं हंस भी पड़ती हूँ और एक वाहिद वही हैं जिनकी वजह से मैं बैठे बैठे रो भी पड़ती हूँ अली भाई मैंने गालते तो सो दूसरी जरा इतनी सीरियस शायरी इतनी खूबसूरत लफाजी
इतनी गहरी सोच, कभी कमर्शियली कोई ऐसी ऑफर आई है आपको कि फ्रिज वाला आ गया हो तो कि साढ़े दस शेर लोग हमारी बर्फ बड़ी जबरदस्त है, हमारी बर्फ कभी ना टूटे, पांच मिनटों में जम जाए, ऐसी कोई बात हुई कभी? यार बहुत सारी ऐसी जो है वो ऑफर्स आती हैं और मेरा ख्याल है कि हर आर्टिस्ट को ही आती हैं, जो भी चाहे वो कलम से ताल्लुक रखता है चाहे वो स्क्रीन से है, तो कमर्शियलिज्म तो आपके साथ साथ घूम रहा है ना, कि जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन मेरे लिए ऑक्सीजन मेरी मोहब्बत है, मेरे लोग हैं, वो प्यार है जो मुझे मिलता है और वो सच्चाई है जो वो समझते हैं कि ये सच लिखता है, तो मैं तो चाहे मुझे जितने भी मर्जी जितनी भी कोई बड़ी से बड़ी ऑफर कमर्शियलिज्म की आ जाए मैं तो उसकी तरफ नहीं जा सकता। दिल दुखाने के लिए नाजिश ही सही। केड़ी है शैमा उठ रही है। अच्छा शहजादे बारिश चाहते ने जरूरतमंद ना वेखना उधर हुंदा ध्यान उधर हुंदा जरूरतमंद दा जवाब नहीं भाई ने वाल कटा लो लगता दो भैणा दा इंटरव्यू है। मैं कह रहा हूँ सर इजाजत है सर, दुश्मन कैसे हो जाता है जो साथ भाई है तो दुख नहीं दिखाई दिया। कैसा कैसा कैसा? जो साथ भाई है तो दुख नहीं दिखाई दिया, वो खुश नसीब है जिसको खुदा ने भाई दिया। भाई दिया। आया। 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 क्या ला, क्या ला, क्या कहने? और जो वो खुश नसीब भाई मुझको जान से भी प्यारा था, आज उसकी बात ने सदमा है इंतहाई दिया। अब फैसल तू भाई से रिश्ता निभाई जा, बुड्ढी वांगू आज मैनू सजना उड़ाई जा, उड़ाई जा, उड़ाई जा, उड़ाई जा। मैनू लगता तेरे अंदरली सारी अशिया रो रही है। अशिया मेरी मेरी अशिया दैट्स ऑल। जब दोनों भाइयों को एक ही बर्तन में खाना खिलाती है वो भाई बड़े होके बर्तन अलग कर लेते हैं। भाई जिम्मे तू रोया लगता बर्तन अलग नहीं हो, बर्तन तोड़ के ही चला गया।